बात है, लेकिन अभी जो इंडिया की प्रेजेंस अफगानिस्तान में भी वो कहते हैं ना कि हम इनकी एक्सपेंड करेंगे, ऑल्दो इकोनॉमी की बात करता है, दैट अगेन इज ए डेंजर। जनरल लोधी साहब, मैं इससे पहले कि आगे जाऊं, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। जो बातचीत हो रही है इसमें ये कह रहे हैं चार लोगों को मालूम है खतरे का, तो क्या खतरा हो सकता है जी? पहली बात तो ये है कि वो दोबारा चार हो गए होंगे, अगर दो चले गए हैं तो ये नहीं, ये नामुमकिन है कि दोबारा इन्होंने ब्रीफिंग ना दी हो प्राइम मिनिस्टर को और इंटीरियर मिनिस्टर को ना पता हो, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी तो उस तरीके से काम करती है। जो जो मैं बात कर रहा था ना कि जो स्टडीज हुई है ना कि पाकिस्तान को कैसे काबू किया जाए, जिसमें कोई हमारे अपने लोगों ने भी इनपुट दिया, हुसैन अकानी साहब जैसे लोगों ने, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को काबू करने का ये तरीका है इसको अंदर से तोड़ो, और उसमें ऑलरेडी इंडिया उसमें काम कर रहा है। अब जो खतरा बढ़ गया है वो ये है कि अगर इसमें अमेरिका की इंटेलिजेंस भी शामिल हो गई और इन्होंने ये टर्मोइल पाकिस्तान के अंदर बढ़ा दिया, जो कि आपको अभी नजर भी आ रहा है कि कभी बलूचिस्तान में इक्का दुक्का, अभी नॉर्दर्न एरिया में भी ऐसे वाकया पेश आ गए हैं, तो ये सब वो उसी उसी के ताने बाने हैं। ये अगर एक्सपेंड होने में कामयाब हो गया तो ये वो खतरा है जहां तक मेरा ख्याल है, जिसका उन्होंने जिक्र किया होगा। और एक बात याद रखें नदीम भाई, कि जब तक पाकिस्तान के नाम के साथ इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान, इस्लामी लफ्ज है, और जब तक आपके पास एटमी असासे मौजूद हैं, ये इनकी प्रोटेक्शन करने के लिए इनका सारा जो मामला है, जो लोगों का राय है वर्ल्ड की, वो हमारे मतलब कोई इसी किस्म की रहेगी जैसे भी है। आपको अपना दिफा खुद करना पड़ेगा, कोई आपकी मदद को आएगा नहीं, नहीं आएगा। मैं आता हूं डिप्लोमेटिकली, अपने ब्लॉक जरूर मजबूत करने चाहिए जी। हमें ज्वाइन किया रुस्तम शाह मेहमद साहब ने, मुमताज सफारतकार हैं, अफगान अमूर के माहिर हैं। अब रुस्तम शाह मेहमद साहब, ये फरमाइएगा कि अफगानिस्तान में आज ये सैफ अफ्रीकी इजलास होता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान अमेरिका, एक तरफ ये थ्रेट परसेप्शन है अमेरिका के, उसके अंदर किरदार को जो है वो देखा जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है ये सिलसिला है और इस बात का तहिया किया जा रहा है कि जनाब दाइश के खिलाफ जो है हम तीनों मिलकर लड़ेंगे, और ये जो कहानी है कि जी दाइश जो है वो अमेरिका ने बनाई है, और ये सारा क्या खिचड़ी पक रही है? देखिए, जब भी आप एक एस्टेब्लिश निजाम को खत्म कर लेंगे जोर से, तो वहां पे एक खला पैदा होगा और उस खला को पुर करने के लिए नॉन स्टेट एक्टर मैदान में आएंगे। इराक में यही कुछ हुआ। आप देखें कि इराक के डिक्टेटरशिप में लाख बुराइयां होंगी, लेकिन आप देखें कि 20 साल पहले वाला इराक अच्छा था या आज का इराक अच्छा है, 20 साल पहले वाला लीबिया अच्छा था या आज का लीबिया अच्छा है। वो तबाही व बर्बादी का मंजर है, वो सिविलाइजेशन उनकी तबाह हो गई, लोग तबाह हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए, मुहाजिर बन गए, लाखों लोग कत्ल कर दिए गए, बच्चे यतीम हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया गया। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ इसराइल के स्टेट को पहुंचा और यही मकसद था। और दूसरा फायदा ये हुआ कि उस खला को पुर करने के लिए दाइश जैसी तंजीमें, इंसानियत कुछ तंजीमें मैदान में आ गई। अब वो मैदान में आ गई, अमेरिका को तो मकसद हल हो गया, लेकिन अब चूंकि वो दाइश जोर पकड़ने लगी है और अमेरिका के पास और अखदार को खतरा पेश आ रहा है, इसलिए अब अमेरिका की प्रायोरिटी ये है कि इसको अब कंटेन किया जाए, इसको मिनिमाइज किया जाए, इसको क्रश कर दिया जाए। लिहाजा जो मीटिंग इस वक्त हो गई है ये काबुल में, उसका कोई जो अमन के हवाले से हमें उसमें कोई पेशरफ नजर नहीं आती। जब तक कि इंसर्जेंसी जारी रहेगी, ये सारा रीजन जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो भी डिस्टेबलाइज रहेगा, सी पैक भी खतरे में होगा, तुर्कमानिस्तान गैस पाइपलाइन भी खतरे में होगा, कासा 1000 भी खतरे में होगा। लिहाजा पाकिस्तान के लिए तो सरतोड़ कोशिश करनी चाहिए कि इंसर्जेंसी खत्म हो, ताकि अमन अमान हो, ताकि ये जो इकोनॉमिक मनसूबे हैं ये आगे बढ़ें और पाकिस्तान को 45 बिलियन डॉलर जो एड आनी, जो कर्जा आना है, जो कुछ कर्जा है कुछ एड है, उससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचे, पाकिस्तान ट्रांसफॉर्म हो जाए। ठीक है, लेकिन अमरीका इनको दाइश के चक्कर में फंसा रहा है कि बस दाइश का बंदोबस्त कर लें, हालांकि दाइश अफगानिस्तान के 34 सूबों में सिर्फ 3 सूबों में एक्टिव है, खोस पक्तिया और पक्तिका में है, और वहां भी लोग उनसे मुतनफर हो गए हैं क्योंकि अब लोगों को पैसे वगैरह नहीं देते, लोग उनसे भागने लगे हैं, उन्होंने बड़े जुल्म किए हैं, लोग उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। दाइश अफगानिस्तान में रिट्रीट पर है, वो आगे नहीं जा रही, वो सुकड़ रही है। मैं रुस्तम शाह मेहमद साहब जी, मैं आता हूँ
اب آفدہ حسین صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جنرل لودھی صاحب کی بات بھی سنی، جنرل قیوم صاحب کی بھی بات بھی سنی، آپ امریکہ کی پاکستان میں دلچسپی کے عنصر کو کم ہونے کا کہہ رہی ہیں، لیکن جو ابھر کر بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ جیسے امریکہ پاکستان کو سزا دینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، جس کی طرف یہ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے اشارے ہو رہے ہیں. دیکھیے جی، میں اپنے موقف پہ قائم ہوں کہ امریکہ کی دلچسپی ہمارے ہاں کم ہو رہی ہے. البتہ یہ ضرور ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ افغانستان کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کردار بڑا اہم ہے، اور اس حد تک وہ ہمارے میں دلچسپی لیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پیچھے انہوں نے $300 ملین ہمیں اسسٹنس دینا تھا، وہ انہوں نے منقطع کر دیا، اور اس وقت ان کے کوئی ہائی لیول وزٹس بھی یہاں پلانڈ نہیں ہیں. پیچھے ان کے ہائی لیول وزٹ ہونا تھا، لیکن صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد وہ ہم نے رکوا دیا، اور ہمارے وزیر خارجہ کا امریکہ جانے کا فی الحال کوئی پروگرام نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب ہمارے وزیر اعظم اقوام متحدہ میں جاتے ہیں جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے کے لیے، تو سائیڈ لائنز پہ یہ ہو سکتا ہے کہ امریکن اعلیٰ جو حکام ہے ان سے گفت و شنید ہو، اور جس حد تک ممکن ہے کامن گراؤنڈ جو ہے وہ حاصل کیا جائے. اچھا.